महज 11 साल की उम्र में रीसा गुप्ता ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया है बल्कि अन्य बच्चों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रीशा गुप्ता, जो वैशाली सेक्टर 4 गाज़ियाबाद में रहती हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वह कब से या तैयारी कर रही हैं, जो डांस के क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। जी प्रीशा जी, सबसे पहले आपका ATB भारत चैनल पे आपका स्वागत है। आप ये बता दीजिए, कब से आप तैयारी कर रही हैं डांस की? मुझे डांस की प्रैक्टिस करते हुए 6 साल हो गए हैं। जी, आप महज 5 साल की थीं तब से आप तैयारी कर रही हैं, इसका मतलब। और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक? मैं इंडिया की सबसे पहली बीगल हूँ जिसने एयरफ्लेस की है, और मेरा 36 एयरफ्लेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फिर मैंने 29 एल्बो एयरफ्लेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और फिर मैंने 31 एयरफ्लेस का डायमंड एयरफ्लेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर मैंने 26 बैक फ्लिप्स का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया, और मैं DID में भी आई हुई हूँ, Season 5 लिटिल चैम्प्स, और मैंने डांस विद मी में भी पार्टिसिपेट किया था। और मैं स्टडीज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, और मुझे इस साल ऑलराउंडर का भी अवार्ड मिला था। मैंने 50+ डांस कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं। जी, और जानकारी ये भी मिली कि आपने कई सारे एल्बम में काम किया है, तो कौन कौन सी एल्बम है जिन पे आप काम कर चुकी हैं? जो रफ्तार सुपरस्टार है, मैंने उनके साथ एक वीडियो एल्बम बनाई थी जिसका नाम है दिल्ली वाली बातचीत, और जो प्रांजल दहिया और खत्री हैं, मैंने उनके साथ भी एल्बम बनाई है जिसका नाम है 17 साल। जी, आप इस डांस के लिए रोज़ाना कितनी मेहनत करती हैं? मैं डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। कौन मेहनत करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं आप? मेरे टीचर है, उनका नाम है साजिद सिद्दीकी। जी, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मैं भारत को ओलंपिक और रेडबुल में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी, और आप ये इतनी मेहनत करती हैं, इसके लिए आपको डांस करने के लिए आपको लाइट वेट होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए क्या अपनी डाइट रखती हैं? मैं डेली दूध पीती हूँ, बादाम खाती हूँ और फल भी खाती हूँ, और मेरी मेनली डाइट तो मेरे सर साजिद सिद्दीकी ही मैनेज करते हैं। जी, आप एक बच्ची हैं, अभी कम उम्र है आपकी, और आपकी तरह तमाम बच्चे हैं जो डांस या फिर अन्य फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होके पीछे मुड़ जाते हैं और नहीं कर पाते हैं? जी, मैं चाहती हूँ, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।